सच छुपने नहीं देंगे। डॉक्टर सविता राय, अभी तक गिरफ्तारी में क्या कहेंगे आप लोग? साथियों, सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम, मैं एडवोकेट मनोज कुमार दिल्ली से। साथियों, आज हम सारे लोग, हमारी यूनिट और दिल्ली प्रदेश के जितने भी एडवोकेट्स हैं, ज़्यादातर सब उनके समर्थन में आए हैं। उनके साथ बहुत अन्याय जो हुआ है, डॉक्टर सविता राय ने जो किया है। अब क्या है कि संविधान तो सबके लिए समानता का अधिकार देता है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उसमें सीधा सीधा सभी को राइट्स है, बराबर का राइट्स है। और इन्होंने तो अपनी मोनोपोली बना रखी है, जब चाहे किसी को भर्ती कर लेते हैं और जब चाहे जब किसी को भी निकाल देते हैं। तो जो इनके साथ अन्याय हुआ है, इन्हें न्याय मिला, इसलिए पूरे देश से, पूरे प्रदेश से डिफरेंट डिफरेंट कास्टों के लोग, धर्मों के लोग, संस्थानों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ पर उन्हें समर्थन देने आए कि उनके साथ जो हुआ वास्तव में अन्याय हुआ। और ये इस बात का सबूत है कि इतने सारे लोग सुबह से शाम तक आप देखते हैं उनके साथ में, यहाँ कंधे से कंधे मिलाकर उन बहन के साथ हम उनका साथ देना चाहते हैं। और अब बात आती है SC ST एक्ट की। SC ST एक्ट प्रिवेंशन एक्ट है, जो उसमें जब से इन्होंने क्या है कि उसमें वैसे तो बेल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन पॉलिटिकल मामला जब आ जाता है, तो आजकल BJP की सरकार चल रही है प्रदेश की, पूरे सेंटर में, तो और ये जो सविता राय है ये BJP की हो सकती है, इसलिए पूरी तरह से इनको नहीं जेल भेजा जा रहा है। और पुलिस जो सेंटर के अंडर में है वो किसी को भी भेज सकती है, इन्वेस्टिगेशन में किसी को भी निकाल सकती है, उनके हाथ की बात है। अब ये पॉलिटिकल प्रेशर होता है, सरकार का प्रेशर है, सरकार के ऊपर उन्होंने प्रेशर बना रखा है कि हमें अरेस्ट नहीं करेंगे। जिस लेडी पर आधे से दर्जन से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो गए, उनमें सब में SC ST एक्ट लगा है, तो उन्हें तुरंत फौरन गिरफ्तार करके पहले तो जेल भेजना चाहिए। और फिर रही उनके निलंबन की बात कि उन्हें उनका लिस्ट में नाम नहीं है, क्या घर की पंचायत समझ रखी है, क्या समझ रखा है, जब चाहे जब किसी को निकाल देंगे, जब चाहे जब किसी को अंदर ला देंगे। IPC जो इंडियन पेनल कोड है, लॉर्ड मैकलन ने सन 1860 में बनाई थी मनुस्मृति को ख़त्म करके। तो जब मनुस्मृति ख़त्म हो गई थी, तो लॉर्ड मैकलन ने जब IPC लागू करी सन 1860 में, तब से सभी लोगों को समान अधिकार दे दिए। तो IPC में यदि मुकदमा दर्ज है तो उसमें क्लास है बाकायदा, उस क्लास के अंदर 3 साल, 7 साल, 10 साल, आजीवन कारावास, फांसी की सज़ा सबको दिया गया। और खास कर यदि SC ST ऊपर चोल लग जाता है तो उसमें बेल तो लाई नहीं करती, और सीधा पहले जेल जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद में 3 या 4 महीने के बाद में फिर बेल लाई करती है। और मामला स्पेशल होता है, अलग से उसकी कोर्ट होती है, अलग से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसमें CO लेवल का एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो इन्वेस्टिगेशन करता है। लेकिन साठ गांठ की वजह से साठ गांठ कर लेते हैं, और जो वास्तव में न्याय मिलना चाहिए उन्हें नहीं न्याय मिल पा रहा है। इसीलिए जब न्याय नहीं मिल पा रहा, तो पूरे देश के लोग, पूरे प्रदेश के लोग, डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोग यहाँ उनके समर्थन में आए। वकील साहब, एक ही इसमें बारीकियों को हम समझना चाहेंगे। कोर्ट का मामला है, हमने देखा लगभग 500 ऊपर उसमें अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज है। क्या आप लोगों ने अपने, मैं कैरियर की बात करूं कि जब आपने वकालत शुरू किया, अब तक का कैरियर देखे, उसमें ऐसी क्या किसी आम देश के नागरिक की हम बात करें, उस पर इतने चार्जेज लगे हों, गंभीर चार्जेज, उसकी गिरफ्तारी आपने इतने लंबे टाइम तक देखा कि गिरफ्तारी होती ही ना हो उसकी, आम आदमी की अगर बात करें? बिल्कुल भी नहीं। उसमें SC ST एक्ट लगने के बाद ही तुरंत ही फौरन अरेस्ट करना है, और उसमें एंटीसिपेटरी बेल लाई नहीं करती। सेक्शन 18 ऑफ SC ST एक्ट सीधा सीधा क्लियर कट कहता है कि यदि किसी के ऊपर SC ST एक्ट लगा है, तो उस एक्ट में किसी को बेल नहीं मिलेगी, तुरंत अरेस्ट करके पर जेल भेजा जाएगा, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन चालू की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो देखा जाएगा बाद में क्या होता है उसके बाद होगा। यहाँ मतलब अगर डॉक्टर सविता राय की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या फिर कानूनी की जो धाराएं हैं उससे ऊपर हैं क्या कि उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो रही, या फिर पूरा सिस्टम ही कहीं ना कहीं नतमस्तक हो जा रहा है क्या इन चीज़ों पर, जब बड़े लोगों की बात आती? क्योंकि अभी कुछ हालिया घटनाओं पर ले जाओ मैं पीछे आपको, तो पहलवानों की घटना हुई, वहाँ पर भी एक MP के ऊपर तमाम धाराएं लगे, पास्को में तमाम जनरल पब्लिक की गिरफ्तारियां हो जाती हैं, पास्को में गिरफ्तारी तक नहीं हुई। तो क्या जब बड़े लोगों के खिलाफ इस तरीके के IPC की धाराएं लगती हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम ही नतमस्तक हो जाता है क्या? ये सब लोग देख रहे हैं कि आम आदमी के लिए यदि IPC या SC ST एक्ट में या पॉक्सो एक्ट में या रेप केस में या 354 में छेड़छाड़ में मुकदमा दर्ज होता है, तो उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं। जब कोई रोबिल आदमी या जो BJP से या जो सत्ता में सरकार है उनका कोई एजेंट है या उससे साठ गांठ कर रखी है, तो उन्हें अरेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ऊपर से आका का फ़ोन आ जाता है, भाई इनमें आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए पहले, उसके बाद में आप इन्वेस्टिगेशन में निकाल देते हैं उन्हें, इसलिए अरेस्ट नहीं कर पाते हैं। और अर्नेस वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार की जो साइटेशन है, उसको बोलते हैं कि 7 साल से कम का जितने भी पनिशमेंट है, उसमें केवल IO को ही पावर है बेल देने की, इसलिए उन्हें जेल भेजने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ तो लाई नहीं करता। SC ST एक्ट का जो इम्पोर्टेंस है, जो उसका महत्व है, उसका वही अर्थहीन खत्म कर दिया, उसका महत्व ही खत्म कर दिया। अब जब SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज है, तो तुरंत जेल भेजना चाहिए, इसीलिए लोग सारे यहाँ इस समय लगे। गिरफ्तारियाँ नहीं, आगे जब लड़ाई की हम बात करें, अब देश के अलग अलग कोने से
बहुजन आबादी यहाँ पर पहुँच रही है, बहुजन मूवमेंट में जितने जुड़े लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, सब आ रहे हैं। लड़ाई कैसे देख रहे हैं, क्या न्याय होगा, कब तक होगा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि कोई कितना ही भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, या कोई महाराजा हो, राजा हो, या रोबीला हो, बदमाश हो, या MP MLA मंत्री कोई भी क्यों ना हो, आप उसके रसूख से मत डलना। यदि गलत किया है तुम्हारे साथ, यदि तुम्हारे साथ शोषण हुआ है, तो उसकी आवाज़ उठाना, उसका विरोध करना, अपना विरोध दर्ज कराना, ताकि वो दोबारा साहस न कर सके। इसलिए जो विरोध दर्ज हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, और एक दिन न्याय ज़रूर मिलेगा। न्याय आशा पर दुनिया टिकी हुई है, और आने वाले समय में वो उसको जेल भेजा जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ एजेंसी सब कुछ होती है, ऊपर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ऊपर तक सारी बैठी, सब जगह मैनेज नहीं कर पाता एक आदमी। अब बात है सिस्टम की, आप सिस्टम का कितना पार्ट बन रहे हैं। अब ये सिस्टम का जहाँ तक पार्ट बन रही है ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा। उसके बाद कानूनी लड़ाई में पूरी मदद होगी। कानूनी लड़ाइयों की हम अगर बात करते हैं, लंबा पीरियड हो गया। हमारे जो MP जो वहाँ चुन के जाते हैं 131 जो है, वो उनको भी जो है ना ये आवाज़ जो है अपनी उठानी चाहिए। जो है भाई पार्लियामेंट में अगर ये इस टाइप की आवाज़ उठाएंगे तभी तो सुनेंगे। अब जो हमारे जो लोग हैं वो तो चुपचाप बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में तो कोई प्रोटेस्ट नहीं है। जब कोई प्रोटेस्ट नहीं है वहाँ तो सब चुप हैं। अदरवाइज तो ये सब केसेस जो हैं, 2 साल से जो है ये हमारी जो बहन है, बेटी है, रितु, डॉक्टर रितु जो है, ये 2 साल से फाइट कर रही है और अभी तक जो इसको कोई न्याय मिला नहीं है। तो इसी चीज़ को जो है हमारे MP जो है वो पार्लियामेंट में उठा सकते हैं, हमारे MLA जो है वो विधानसभा में उठा सकते हैं, तो उठाना चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना। ये बात सही कहा कि देश के अलग अलग कोने से हर तबका आ रहा है, तो इसमें जब वकीलों की अपनी पूरी लॉबी लग गई है, तो क्या वो लोग आवाज़ नहीं उठाना चाहिए जो इसी समाज का वोट बैंक लेकर के और संसद में बैठे हैं? हम जो है वोट देते हैं लोगों को, यही देते हैं ना, वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, हम उनको चुनकर वहाँ भेजते हैं पार्लियामेंट में जो है। तो अगर हम पर कोई मुसीबत आती है या हमसे रिलेटेड कोई केस है तो उनको वो केस जो है वहाँ उठाना चाहिए। जो है वो जो है चुपचाप जो बैठे हुए हैं, उन्होंने जो अभी आप देखो पार्लियामेंट क्वेश्चन सेशन जो होता है, एक भी क्वेश्चन जो है हमारे किसी भी MP ने जो है 131 MP जो है हमारे पार्लियामेंट में अभी तक जो है किसी ने जो है एक भी क्वेश्चन जो है उसमें है अभी इस तरीके से राजस्थान में, UP में और किसी प्रदेशों में जो है हमारे लोगों पे जो है अलग अलग टाइप के जो है अत्याचार हो रहे हैं। कहीं जो है किसी की हत्या हो रही है, किसी जो है स्त्री का जो है मतलब चीरहरण हो रहा है, इस तरीके की जो, तो उनके अगेंस्ट में जो है आपकी ये मांग है कि जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, UP, पंजाब, तमाम जो अभी हालिया घटनाएं हुई दलितों को लेकर, रक्षाबंधन के दिन के पहले और रितु की भी घटना, डॉक्टर रितु की, तो आप ये चाहते कि जो आपके समाज से चुनकर संसद में बैठे इस वोट बैंक को लेकर उनका भी फर्ज बनता है कि आप सवाल उठाइए। बेटी पे सवाल नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, जब हमारा लोग जो है 131 रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा नहीं है, कम रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर ये सब लोग जो है वहाँ उठाएं तो वहाँ के पूरे पार्लियामेंट को हिला सकते हैं। जो है कार्या कब तक हो सकते हैं डॉक्टर सविता राय की? मानवल आपको पहले मैं बता देता हूँ, मेरा नाम एडवोकेट उमा शंकर गौतम और बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ और इस ज़िले का मैं जिला प्रभारी हूँ। बहुजन समाज पार्टी का लंबे समय से काम देख रहा हूँ और इसी विधानसभा से मैंने 2020 में MLA का चुनाव भी लड़ा था बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी ने दिशा निर्देश दिया हम लोगों को कल रात कि आप लोग सभी लोग जाएँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में और डॉक्टर रितु का पूरी तरीके से तन मन धन से और शांतिपूर्वक तरीके से जाकर के सहयोग करें और उनका मनोबल और हौसला बढ़ाएं और उनकी नायक लड़ाई में पूरी तरीके से सहयोग करें। आज दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के सभी बड़े और छोटे पदाधिकारी आज यहाँ पर ये जो सभी मौजूद है इस डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने के लिए। अब आ जाते हैं इस केस की लीगल प्रपोजिशन पर कि जो तानाशाही दौलतराम कॉलेज के प्रिंसिपल ने दिखाई है उसमें सीधे सीधे एक जाति मानसिकता दिखती है, उसमें सीधे सीधे एक जाति मानसिकता दिखती है, क्योंकि ऋतु एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और वो समय समय पर अपना कॉलेज का कार्य पूरा करने के बाद इस बहुजन मूवमेंट में लगातार सहयोग देती हैं और समाज को तैयार करने का काम कर रही है। सर हम बात करेंगे गिरफ्तारी को लेकर के,
तो लीगल चीजें आप लोग बेहतर बताएंगे। गिरफ्तारी की उम्मीद क्या है, कब तक इन धाराएं लगी ऊपर? जैसी बात है किसी आम इंसान के ऊपर तो कभी बिहाइंड द बार होता वो, लेकिन डॉक्टर सविता राय नहीं है, क्या वो पावर का जो उनको अंदर नहीं जाने दे रहा है? तो फिर कानूनी रूप से कब तक गिरफ्तारी हो सकती है, कब तक बचेगी वो? इसमें आपको एक बात बता देता हूँ, सबसे बड़ी कि FIR हो चुकी है SC ST एक्ट के तहत, और यहाँ पर दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा फेलुअर है कि अभी तक उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस उसे प्रोटेक्शन दे रही है, लगातार उसको मौके दे रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस और प्रशासन शासन प्रशासन की मिली भगत है, और ये कहीं ना कहीं उस प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम बचने नहीं देंगे। उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि जिस सेक्शन में जिन धाराओं में उसके खिलाफ FIR लॉज्ड हुई है, उसमें डायरेक्टली सीधे सीधे अरेस्ट बनता है, इवन एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं बनती है। पुलिस डेलिबरेटली अवॉइड टू बी अरेस्ट द प्रिंसिपल, उसके लिए हम कोर्ट के माध्यम से नेक्स्ट वर्किंग डे में स्ट्रक्चर रिपोर्ट मांगेंगे कि ऐसे क्या कारण है, दिल्ली पुलिस के सामने क्या मजबूरी है कि एक्यूज्ड को अभी तक अरेस्ट नहीं कर रही है। अगर सीधे हम छोटे शब्दों में बात करें, अगर सीधे तौर पर आम भाषा में, तो जो अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई, तो कानूनी प्रक्रिया में आखिर बचने का एक टाइम पीरियड होता होगा कि अगर पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है या फिर इन्वेस्टिगेशन में आप टाइम को ज़्यादा खींच रहे हो, तो कब तक गिरफ्तारी हो सकती है? कुछ आइडिया है आप लोगों की कि इससे ज़्यादा वो नहीं बच सकती है? देखिए, FIR के 15 दिन के अंदर पुलिस को कोर्ट में स्टेटस देना होता है। अगर एक्यूज भाग रहा है तो पुलिस को कोर्ट से NVW नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट लेना चाहिए, जो कि पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यह पुलिस का सबसे बड़ा फेलुअर है, पुलिस जानबूझकर के डेलिबरेटली अवॉइड कर रही है प्रोसेस को। चलिए अब जरा बहुजन मूवमेंट पे आते हैं। आपने कहा कि बसपा से आप जुड़े हुए हैं, और रात को आपको कॉल आया, फिर आपकी पूरी टीम यहाँ पर डॉक्टर रितु के समर्थन पे आ गए। बात करें आकाश आनंद जी, क्या उनका भी आगमन होगा क्या? क्योंकि सुना जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण का भी G20 के बाद यहाँ पर आगमन होगा, तो आकाश जी का भी आगमन होगा क्या? माननीय राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी ऑलरेडी डॉक्टर रितु से मुलाकात कर चुके हैं, और उन्होंने अश्योरेंस दिया है कि आपकी आवाज़ को पार्लियामेंट तक उठाया जाएगा। हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं, राज्यसभा सांसद डॉक्टर राम जी गौतम, वो भी मुद्दे को राज्यसभा में अपने पार्लियामेंट में लीगल तरीके से उठाएंगे, और आश्वासन दिया है कि बहुजन समाज पार्टी रोड से लेकर के संसद तक हर संभव प्रयास, रोड से लेकर कोर्ट तक, कोर्ट से लेकर सुनहरा अवसर है सड़कों पर आने का। दलित बेटी है, उसी के साथ अन्याय हो गया, दिल्ली राजधानी में हो गया, DU जैसे बड़े मतलब प्लेसमेंट वाली जगह हो, यही फिर से सवाल बनता है कि क्या आनंद जी का वो मौका आ गया है, अब सड़कों पर बहुजन मोमेंट में आएंगे क्या वो? बिल्कुल आएंगे। माननीय आकाश आनंद जी जो हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है बहुजन समाज पार्टी के, ऑलरेडी वो रोडों पर है। पिछले 15 दिन से देखे तो अभी उनकी पटना में रैली थी, मध्य प्रदेश में रैली हुई, राजस्थान में रैली हुई, छत्तीसगढ़ में रैली हुई, और जहाँ जहाँ इलेक्शन उनके लगातार शेड्यूल लगे हुए, मीटिंग लगी हुई हैं, और लगातार वो लोगों से दिल्ली में भी राष्ट्रीय लेवल पर मिलने का काम कर रहे हैं। व्यस्तता के अभाव में आने वाले समय में उनको हम जरूर लेकर के आएंगे इस प्रोग्राम में, वो आकर के सामने से भी हिस्सा लेंगे। डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट में क्या बहन मायावती जी की तरफ से कोई आपको डायरेक्शन है क्या? बिल्कुल बहन जी ने ऑलरेडी डायरेक्शन दिया हुआ है कि आप इस मैटर को देखें और इसमें सहयोग करें, जो पार्टी की तरफ से जरूरत हर संभव प्रयास करेंगे डॉक्टर रितु की सहायता करने के तरीके से, चाहे न्यायालय के सामने हो, चाहे कहीं पर हो, चाहे रोड पर हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे संसद में, बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से डॉक्टर रितु के साथ खड़ी है, और इस देश की महिलाओं के साथ, शोषितों के साथ, दलितों के साथ, वंचितों के साथ, आदिवासियों के साथ और माइनॉरिटी के साथ बहुजन समाज पार्टी कोई अत्याचार नहीं होने देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये वो लोग थे, यहाँ पर मैं बता दूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी पर जो प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पर बहुजन मूवमेंट चल रहा है, उसमें जैसे बताया जा रहा था कि भीम आर्मी की यहाँ पर पहले ही मौजूदगी थी, और उसमें ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि चंद्रशेखर रावण की यहाँ पर उपस्थिति हो सकती है, आगमन हो सकती है G20 के बाद। वहीं आज एक नया चीज़ भी देखने को मिल गया कि इस मोमेंट में बहुजन समाज पार्टी भी आज बड़ी संख्या में एंट्री करती है और समर्थन का ऐलान करती है, कहती कि लीगल हो या फिर सड़कों की लड़ाई हो, बहुजन समाज पार्टी भी डॉक्टर रितु की लड़ाई को लड़ेगी। तो पूरे देश की बात करें बहुजन मूवमेंट की, धीरे धीरे कहीं
तो वो कड़ी बन रही है कि एक मंच पर आएंगे क्या, एक आएंगे क्या। शायद लग रहा है कि डॉक्टर ऋतु वो कड़ी बनेंगी कि तमाम बहुजन लीडर्स को एक मंच पर लाएंगी और इसका प्रभाव 2024 चुनाव पर भी शायद देखने को मिलेगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करिएगा। डॉक्टर ऋतु के न्याय की प्रक्रियाओं में क्या करना चाहिए, किस तरीके के समर्थन से उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।